Don't turn off the camera. मैम थोड़े से यहाँ पे बैकवर्ड सो बुलबुल कल रिलीज़ हो रही है 7th को एंड एक शॉर्ट फिल्म है एंड कुंदन शाह जी ने लिखी है तो उनका एक इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क यू नो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन अक्टूबर व्हेन वी वर शूटिंग एंड फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स वी हैव बीन वर्किंग फॉर विद हिम ऑन द स्क्रिप्ट और इट्स अ कॉमिक फिल्म एक फ्री स्पिरिटेड लड़की की कहानी है जो कि अपने लवर को वू करने के लिए प्यार को पाने के लिए और उसके साथ क्या क्या फनी इंसिडेंसेज होते हैं सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म 25 मिनट की लेंथ है और यूट्यूब पर आप सब देख सकते हैं यू नो एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को चैलेंज करती रहूँ और सो व्हेन आई हर्ड व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग यू नो इट वाज कम्प्लीटली अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज बहुत सारे किरदार बुलबुल निभाती है कथक डांसर का रोल है एक सरदार का रोल है एक ब्लॉन्ड विग पहन के ड्रेसअप होती है सो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कम्प्लीटली अनलाइक मी बिकॉज मैं जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसी बिल्कुल भी आई थिंक बुलबुल कम्प्लीटली डिफरेंट है मुझसे बिकॉज बहुत ही बबली और फ्री स्पिरिटेड लड़की है सो आई थिंक दैट चैलेंज यू नो रियली हेल्प्ड लाइक चैलेंज वॉज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी टू टेक अप द रोल सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज यू नो कॉलेज फेस्ट्स आर लाइक सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल द किड्स इतने सारे पैशन से बच्चे करते हैं और दिस एक्चुअली इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर देम जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं यहाँ से वो शुरुआत हो जाती है बिकॉज यहाँ पे वो ड्रीम्स देखते हैं सपने सोचते हैं इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था टू मेक माई डायरेक्शनल डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द कॉलेज सब्जेक्ट ही आ रही हैं एंड कॉलेज लाइफ ने बहुत मुझे इंस्पायर किया है सो या आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड Yeah, encourage the festival. Ma'am, आज जो फिल्म की स्क्रीनिंग इनको आप दिखाना चाहेंगे स्क्रीनिंग वो भी स्पेशल स्क्रीनिंग जी जी आज तो सिर्फ हमने प्रेस को इनवाइट किया है और किसी को नहीं बुलवाया एंड बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था सो या ओनली द मीडिया ट्रायल्स नो वी हैव नॉट कॉल्ड एनी इंडस्ट्री राइट नाउ बट वील हैव द इंडस्ट्री स्क्रीनिंग ऑल्सो सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट द डेट फॉर दैट शॉर्ट फिल्म में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है मार्केट में तो कहां-कहां फिल्म रिलीज की जाएगी YouTube या वेब या थिएटर में सो अभी तो YouTube पे रिलीज़ कर रहे हैं और फिर देखेंगे जो उनसे भी फेस्टिवल्स एक्चुअली इशू ये है कि आप फेस्टिवल्स में तभी भेज सकते हैं जो मैंने स्टडी किया अगर आपकी रिलीज़ ना हुई हो पिक्चर सो यू नीड टू होल्ड द फिल्म फॉर अ ईयर एंड सेंड इट टू ऑल द फेस्टिवल्स एंड तब आप रिलीज़ करो बट ऑब्वियसली फॉर मी यू नो द ऑडियंस इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड यू नो द फिल्म इज़ फॉर द ऑडियंस तो या तो इसलिए हम YouTube पर पहले रिलीज़ कर रहे हैं
आई कैन शेयर अ स्कूल डे स्कूल ईयर की मेमोरी. व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड मैं हॉस्टल में थी और तब वहाँ पे हमने प्लान बनाया था वहाँ से भाग जाने का. सो इन माई थर्ड स्टैंडर्ड आई बंक्ड माई क्लास. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी दैट्स अ मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट. बिकॉज जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो जनरली आपका दिमाग आई डोंट थिंक इतना चलता है कि आप बंक करने की सोचो और भागने की सोचो. यस यस या सो यू नो इट्स अ डीप लॉस एंड नथिंग कैन फिल यू नो वॉट द वर्ल्ड विच ही इज लेफ्ट. एंड ही वॉज सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड सच अ नाइस ह्यूमन बींग एंड आई थिंक वील ऑल चेरिश शशि जीज वर्क फॉर एवर एंड एवर. अभी तो आई एम कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय दिस और नेक्स्ट मैं अनाउंस करूंगी जब आई विल बी मोर रेडी विद इट. यारियाँ की और सनम रे दोनों के सीक्वल्स की मुझे बहुत डिमांड आती है बट आई थिंक जब तक राइट सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक सीक्वल नहीं प्लान कर सकते. स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने कम्प्लीटली इन्जॉय किया. इनफैक्ट मुझे इतना मज़ा आया कथक सीखने में कि आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक लर्निंग मोर ऑफ कथक नाउ एंड आई वॉन्ट लर्न मोर वंस दिस फिल्म रिलीजेस बिकॉज इट्स सच अ नाइस फॉर्म ऑफ आर्ट. यस. Oh God, please don't ask me this question. As an artist, what is your opinion? Like, Deepika get the threat chopping off now? I don't want to comment, sorry. Do you think involvement in Bollywood films is right? I can't comment, sorry. Thank you for coming. Ma'am, visuals. Yes, I'm ready. तो सबसे पहले क्या चल रहा है अंदर, क्या देखा आपने, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कॉलेज है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है, माहौल तो बहुत सही है. जब भी मैं इस तरह की कॉलेज फंक्शंस पे आता हूँ तो मुझे याद आती है जब मैं कॉलेज में था तो कितने बदमाशी की हमने, कितना मज़ा आया. सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड बिकॉज जो कॉलेज के दिन हैं वो वापस नहीं आएंगे. तो ऑलवेज मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट टाइम. अरे परफॉर्मेंस तो कमाल थे एक्चुअली. मैंने स्टेज पे जाके गया और बोला भी कि जिस तरह उन लोगों ने कोरियोग्राफ किया और जिस तरह नाचा, इट वॉज फैंटास्टिक. इट्स अमेजिंग टू सी द यंग किड्स टुडे प्रैक्टिसिंग सो मच. आप कितना एक्टिव हुआ करते थे कॉलेज में? अरे जब मैं कॉलेज में तो बहुत एक्टिव था. इस तरह के फंक्शंस, फेस्टिवल्स में डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत मैंने किए थे. इसलिए मैं जानता हूँ कि जब वैसे उस मंच पे जाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है बिकॉज व्हेन यू आर यंग अब बहुत नर्वस हो जाता है और डरते हैं. सो टू इनकरेज पीपल टू गो ऑन स्टेज मोर ऑफन एक बहुत अहम है आजकल बिकॉज दे नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड गेट एंड नॉट बी नर्वस. तो जब मैं करता था, जब हम कॉलेज में थे, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. वेल यू स्टिल लुक वेरी मच फिट एंड अरे थैंक यू सो मच. सो
नहीं मुश्किल नहीं है, मेंटेनेंस सब लोग सोचते कि मुश्किल है, अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और खाना पे ध्यान देंगे तो फिट ही रहेंगे, सिंपल सी बात है, कोई कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जी तो आई वुड लव टू, आई मीन वी हैव लॉस्ट अ वेरी हैंडसम हीरो ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री एंड वुड लव टू यू नो माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली एंड जैसे सब लोग ने कहा कि वी हैव लॉस्ट दिस हैंडसम मैन बट द लेजेंड विल स्टिल लिव ऑन। सिनेमा से काफ़ी दूर हो चुके हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं, वापस आ जाऊँगा मैं, 2018 है एंड आई हैव प्लान्ड समथिंग फॉर मूवीज, एक प्रोड्यूस करूँगा और एक उसमें एक एक्टिंग भी करता हूँ। जी एक्चुअली निरंजन आयंगर के साथ मैंने उनकी पहली शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इट्स बीइंग रिलीज्ड सून, वो ब्लेंडर्स शॉर्ट फिल्म जो है शॉर्ट फिल्म, तो निरंजन आयंगर के साथ उनकी पहली पिक्चर मैंने उस पर। नहीं यार ये तो पॉलिटिक्स है और मेरा ये मानना है कि द इंडस्ट्री शुड स्टैंड टुगेदर एंड कन्वे टू द पीपल कि बिकॉज किसी ने अभी तक कुछ फिल्म नहीं देखी तो यू कैन पास एन ओपिनियन ऑन समथिंग यू डोंट नो। अगर मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली कहानी क्या है तब भी बोल सकता हूँ ना, किसी को कुछ मालूम नहीं कि किस तरह की पिक्चर बनी, सो वी कैन पास जजमेंट अनटिल वी सी इट, तो समबडी शुड सी इट एंड देन पास जजमेंट। सब सेंसर बोर्ड के हाथ में अभी, तो मैंने भी पिक्चर नहीं देखी सो आई डोंट नो, आई कैन रियली कमेंट बट इट्स ओनली ऑन द सेंसर बोर्ड नाउ। एनी लास्ट ये देखो जिस तरह से उन्होंने कैसे गलती होगी प्रचार किया फिल्म को लेकर, जिस तरह से उन्होंने भार फैला देखो जो है फर्स्ट उनकी तरफ से आया था कि ये क्या कि अलाउद्दीन और इनकी पद्मावती के बीच अच्छा आया था ऐसा कुछ, तो ये सवाल संजय लीला भंसाली को पूछना चाहिए मुझे नहीं। अरे बहुत सारी पिक्चर्स है जो बहुत अच्छी हैं जो मेरे ख्याल से टच नहीं करना चाहिए, उनका रीमेक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सो आई फील यू शुड मेक न्यू स्टोरीज, और अगर कोई पुरानी पिक्चर हो जो ये रीमेक जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है बिकॉज ऑलरेडी अगर किसी ने एस्टेब्लिश किया और एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है देन मे बी टेक इंसिडेंट्स ऑफ दोज फिल्म एंड ट्राई एंड मेक अ न्यू स्टोरी, बट टू रीमेक समथिंग हमेशा आपके सर पे वो बर्डन लगेगा कि यार वो जो बनी हुई थी कैन आई मेक इट बेटर देन दैट, इट ऑलवेज बिकम्स अ टफ प्रोपोजिशन। ऑफ कोर्स आई मिस इट, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूँ बहुत जल्दी। टू हैव फन इन्जॉय, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है एक ही है और ये जो दिन है वापस आना बहुत मुश्किल है, नहीं तो नहीं आएगा, तो इसलिए इन्जॉय जितना आप इन्जॉय कर सकते हो इन्जॉय, मगर स्टडीज़ पे फोकस करना है। आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि टैलेंट है उसमें एंड शी सेंडिंग मी द लिंक टुमारो, तो बुलबुल देखूंगा ज़रूर एंड आई विश ऑल द बेस्ट। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ, इंडिया में बाहर का विदेश का? अरे बहुत, माइकल जॉर्डन जो मेरा जो बास्केटबॉल एक खिलाड़ी है वो मेरा सबसे फेवरेट था। अभी फुटबॉलर्स बहुत सारे क्रिकेटर्स भी बहुत सारे हैं, आई लाइक लॉट्स ऑफ। एक्सरसाइज करना सिंपल सी बात है, टिप्स मतलब अगर आपके किसी के पास समय ही नहीं है गो फॉर अ रन गो फॉर अ जॉग, नहीं तो घर पे पुशअप्स कर सकते पुलअप्स कर सकते बैठक कर सकते कुछ भी कर सकते, मगर पहला ये सब बदलना चाहिए, यू हैव टू मेक अप योर माइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर।